बिहार में एक तरफ जहां बाल मजदूरी रोकथाम को लेकर सरकार कई तरह के जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं मधेपुरा में खुलेआम सरकारी स्कूलों में बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है। मामला जिले के शंकरपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूल हसनपुरा गांव का है, जहां सरकारी स्कूल परिसर में चल रहे भवन निर्माण कार्य में बच्चों से बाल मजदूरी करवाया जा रहा है। जिन हाथों को कॉपी और किताब होनी चाहिए, उन्हीं हाथों से जिस शिक्षा के मंदिर में भवन का निर्माण हो रहा है, उसी शिक्षा के मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में कॉपी किताब की जगह मजदूरी का आलेख सौंपा जा रहा है। बताया जा रहा है कि संवेदक और इनके मुंशी द्वारा छोटे छोटे बच्चों को प्रलोभन देकर भवन निर्माण कार्यों में बाल मजदूरी करवाया जाता, जो सरकार के बहुमुखी योजना को विफल कर रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से बाल मजदूरी करवाने वाले संवेदक पर कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक बता रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, अगर इस तरह के कार्य करवाया जा रहा है तो ऐसे लोग सजा के हकदार हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि इस मामले को लेकर मधेपुरा SDM नीरज कुमार ने जांच कर कार्रवाई का हवाला दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा जांच के बाद ऐसे लोगों क्या कार्रवाई होती है। ये थी हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट मधेपुरा से। इस पर आपको क्या कहना? इस तरह की जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन पेपर के में हम पढ़े थे, उससे हमको जानकारी हुई, लेकिन कहाँ की मामला है, कहाँ तक यह सत्य है, इसकी भी पता हमको पूरा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का है बात किसके द्वारा यह कराया जा रहा है, तो वह तो सजा जाता है, उसे तो सजा मिलनी चाहिए, हमको भी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से संज्ञान में आया है मुझे, मैं इसकी जांच के लिए जो है जो वीडियो आप बता रहे हैं उसकी जांच कराई जाएगी, जो सत्य होगा उसके ऊपर जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। बच्चे लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रमिक है मजदूर का कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बच्चे लोग से काम कराया जाता है स्कूल में, जबकि सरकार बाल श्रमिक को मतलब रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, फिर भी मतलब नहीं रुक रहा है। ऐसे गलत काम करवाने वाले कार्रवाई किया जाए। मधेपुरा में जदयू नेता प्रदीप साह हत्याकांड मामले को लेकर बिहारगंज के हथियोंदा गांव पहुंचे बिहार सरकार के पर्यावरण एवं लघु सिंचाई मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मृतक परिजनों से मिलकर संवेदना दिया। इस दौरान मंत्री ने SP राजेश कुमार से वार्ता कर कहा कि जल्द इस मामले में अपराधियों को गिरफ्तार करें और स्थानीय थानेदार का कर दिया जाए स्थानांतरण, चूँकि थानेदार का स्थानीय लोग कर रहे हैं काफी शिकायत। हालांकि इस मामले को लेकर SP राजेश कुमार ने मंत्री को भरोसा दिया और कहा एक से दो दिनों के अंदर अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, अपराधी की गिरफ्तारी और आज ही थानेदार का तबादला कर दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि प्रदीप साह जदयू के अच्छे नेता थे, इनकी हत्या हो जाने से खासकर मुझे काफी चिंता, हमने इस मामले में डिप्टी CM व SP को बात की है, जल्द अपराधी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, साथ ही स्थानीय थानेदार का लोग शिकायत कर रहे हैं तो उन्हें भी हटाकर किसी अच्छे थानेदार को दिया जाएगा, हम CM से भी इस मामले में बात करेंगे, तत्काल मृतक परिजनों को सहायता की जाए। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा ताकि इस इलाके में अमन चैन मिल सके। काफी दुखद है, जदयू के नेता थे, सामाजिक लोग थे, हम लोग इनके हत्या से काफी चिंतित हैं, काफी दुख है। हमने अभी बात की है SP से भी और DP CM साहब से, दोनों से हमारी बात हुई है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे इस मैटर पे, इनके परिवार के लोगों को पहले तो सहायता मिले, बाकी अपराधी कोई भी है बचेगा नहीं, अपराधी की गिरफ्तारी होगी, SP से बात हो गई है और थाना प्रभारी के बारे में लोग शिकायत कर रहे थे तो उनके बारे में बताया गया है और मुझे लगता है कि कोई दूसरे अच्छे थाना प्रभारी जल्दी आ जाएंगे, इस इलाके में अमन चैन का व्यवस्था किया जाएगा, बाकी जो अपराधी है कोई नहीं बचेगा, उतना ही कर सकते। मधेपुरा में आसमान से ड्रोन के जरिए रखी जा रही है शराब कारोबारियों पर पैनी नजर, शराब कारोबारियों में दहशत का माहौल।
दरअसल आज मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र स्थित जोड़गामा गांव में ड्रोन कैमरे के मदद से मद निषेध टीम को बड़ी सफलता मिली है। कई ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान बहियार में चल रही कई देशी शराब कारखानों को किया गया ध्वस्त। इस दौरान शराब कारोबारी फरार हो गए। वहीं जिला मद निषेध अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि मधेपुरा समेत पूरे प्रदेश में अब ड्रोन कैमरे से शराब माफियाओं एवं शराब कारोबारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में आज मुरलीगंज के जोड़गामा गांव स्थित बहियार में कई देशी शराब कारखाना को किया गया है ध्वस्त। शराब कारोबारी पर होगी फरार अभियोग दर्ज। ये थी हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट मधेपुरा से।